एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। शुक्रवार की शाम रहा हादसों के नाम। वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को लेकर दुबई से केरल आया विमान उस समय हादसों का शिकार हो गया जब वह रनवे पर लैंड करते समय फिसल कर खाई में जा गिरा और दो टुकड़ों में बट गया। इस घटना में 16 मौतें हुई है जबकि 175 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोकसभा में 78 तथा राज्यसभा में 25 महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ही पहली बार महिलाओं की बढ़ती संख्या प्रसन्नता व्यक्त की गई। संसद के दोनों सदनों में अब महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या 100 के पार हो गई है, जो खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। 2685 करोड़ की लागत से 99 भवनों का निर्माण होगा जबकि 1725 करोड़ से बने 264 भवनों का होगा लोकार्पण। डिप्टी सीएम सुशील मोदी कार्यक्रम में होंगे विशिष्ट अतिथि। भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम से जुड़ेंगे एक दर्जन से ज्यादा विभागों के मंत्री। नेपाली जनता को भ्रम में रखते हुए वहां के पीएम ने भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत अब नेपाल के क्षेत्र में बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के समीप नए हेलीपैड बनाने का निश्चय करना भारत के लिए अशुभ संकेत कहे जा सकते हैं। बीते 6 अगस्त के बाद से रेलवे में फिलहाल खलासियों की भर्ती रोक दी गई है। हालिया माहों में की गई भर्तियों के पहले समीक्षा की जाएगी, इसके बाद बहाली पर विचार होगा। राज्य में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए जांच कार्य तेज कर दिया गया है, लेकिन बताते चले कि बीते दिनों में ही 10,000 संक्रमितों की संख्या सूबे के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है तब से जांच कार्य में तेजी लाई गई है। 17,520 सैंपल की जांच शुक्रवार को की गई, जो एक रिकॉर्ड समान है। सूबे में 46,000 से अधिक लोग कोरोना इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जनहित में ई कार को बढ़ावा देने के लिए ऑटो पर 30,000 जबकि ई कार पर 1.5 लाख रुपए की छूट का ऐलान कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्य उत्सव समारोह मथुरा में नहीं होने की संभावना है। 11 से लेकर 13 अगस्त तक कोरोना की वजह से बाहरी व्यक्ति के मथुरा में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। संभावना है कि शहर के सीमा को सील कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयार किए जा रहे वैक्सीन की दिशा में भारत में ही निर्मित डोज की कीमत 225 रुपए होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अन्य लोगों के सहयोग से 10 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य पूरा करने का भरोसा दिलाया है। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। We'll be right back.